हाय, आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका, जिसे कॉमन मॉस के नाम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीशीज फ्यूनेरिया हाइग्रोमैटिका है। ये डैम्प शेडी वॉल, रॉक्स और ट्री ट्रंक पे ग्रो करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, जिसमें एक इरेक्ट लीफी एक्सिस होती है जो अटैच रहती है सबस्टेशन से राइजॉइड्स की हेल्प से। इसका एक्सिस सीधा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, 1 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है और ये ब्रांच्ड होता है। इसकी लीव्स स्पायरली अरेंज होती हैं एक्सिस पे, जो 3/8 फाइलोटैक्सिस को शो करती हैं। ये यूजली सेसाइल होती हैं, इसका मतलब इनके पीछे पेडिसिल नहीं होता, स्टॉक नहीं होता, और ओवेट होती हैं ये। मैच्योर लीव जो है वो स्टेम के बेस पर प्रेजेंट होती हैं और उसमें एक क्लियर मिडरिप पाई जाती है, जबकि यंग लीव्स जो हैं वो एपेक्स में होती हैं और उसमें मिडरिप नहीं होती। लीफ लोअर पोर्शन पे मिलती हैं ब्रांचेस के, वो स्मॉल स्केली लीव होती है और उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। गैमेटोफोर बेस पे ब्रांच हो सकता है, सिलेंड्रिकल और मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इन मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स की खास बात यह है कि इनमें ऑब्लीक सेप्टा पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो फ्यूनेरिया मोनोशियस है। इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया क्लस्टर में डेवलप होते हैं और सेपरेट ब्रांचेस पे हो सकते हैं और ये एक ही प्लांट पे होते हैं। एंथ्रीडिया ग्रुप में बॉर्न होता है और मेन एक्सिस पे प्रिंसिपल ब्रांचेस में होता है और इसमें बहुत सारी लीव्स जो है वो उनका ग्रुप पाया जाता है, जिसे पेरिगोनिया लीफ कहा जाता है। ये यूजुअली लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सिस पे होते हैं और इनकी ब्रांचेस लिमिटेड ग्रोथ शो करती हैं। इनके चारों तरफ लॉन्ग मल्टी सेलुलर कैपिटेट हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें पैराफाइसिस कहा जाता है। ये एंथ्रीडिया के साथ मिक्स होते हैं। मैच्योर एंथ्रीडिया क्लब शेप स्ट्रक्चर शो करता है और ये स्मॉल स्टॉक्स पर बॉर्न होता है। पैराफाइसिस एंथ्रीडियल हेड को लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं और पानी का लॉस होने से बचाते हैं, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस नहीं होने देते। सिंगल लेयर्ड एंथ्रीडियल जैकेट एंड्रोसाइट्स को चारों तरफ से घेरती है और जब डहिसेंस होता है मैच्योर एंथ्रीडियम का, उस समय पानी इसके लिए हेल्पफुल है। वाटर की हेल्प से ये फट जाता है और इसके टिप में एंथ्रीडियम जब रप्चर करता है पानी एब्जॉर्ब करके, तो इसके अंदर से बाइसीलिएट एंथरजॉइट निकलते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। आर्चिगोनियल ब्रांचेस यूजली मेल ब्रांच के पास ही अराइज होती हैं, लेटरल साइड में। आर्चिगोनिया ग्रुप में अराइज होता है और ये सराउंडेड होता है क्लस्टर ऑफ लीव्स से, जिसे पेरिकेटियल लीव्स कहा जाता है। हेयर लाइक पैराफाइसिस भी प्रेजेंट होते हैं, जो आर्चिगोनिया के साथ मिक्स होते हैं। मैच्योर आर्चिगोनियम मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। इसमें एक मल्टी सेलुलर स्टॉक होता है, एक नीचे की तरफ फूला हुआ वेंटर होता है और एक अपर इलोंगेटेड पोर्शन नेक होता है। वेंटर में वेंटर कैनाल सेल और एग सेल होती है। नेक एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें 6 से 9 तक नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। मैच्योरिटी पे नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिजेनरेट कर जाती हैं और एक स्लाइमी मास बनाती हैं ख़त्म होके। जब रेन वाटर या ड्यू एंथ्रीडियल और आर्चिगोनियल क्लस्टर पे गिरता है तो फर्टिलाइजेशन हो पाता है, और जब प्लांट की सरफेस वेट होती है तो मैच्योर एंथ्रीडिया पानी को एब्जॉर्ब करके फट जाता है और मेल गैमेट यानी कि एंथरजॉइट सरफेस पे आ जाते हैं। एंथरजॉइट लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और इनके चारों तरफ फ्लूइड होता है, जो मिल्की अपीयरेंस शो करता है। ये आर्चिगोनिया के पास स्विम करते हैं क्योंकि आर्चिगोनिया में शुक्रो सिक्रेट होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जब वो वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल को पानी मिलता है तो वो एक स्लाइमी मास बनाती हैं, और इसी समय इनमें से एक केमिकल सिक्रेट होता है जो कि शुक्रोज का केमिकल है। ये जो मेल एंथ्रोजॉइड अभी रिलीज हुए थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फ्लैजिलेटेड होने की वजह से एंथ्रोजॉइड उधर मूव कर जाते हैं आर्चिगोनिया के पास, और इस मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि केमिकल की अट्रैक्शन की वजह से एंथरजॉइड फीमेल आर्चिगोनिया की तरफ बढ़ते हैं
और वेंट्रल कैनाल सेल के नीचे जो एग है, एग सेल, वहाँ पर जाकर ये फ्यूज़ करते हैं और डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, 2N जायगोट बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, ये डिप्लॉयड जायगोट बन जाता है। डिप्लॉयड जायगोट जो है वो एंथ्रोजॉयड और एग के फ्यूजन से बना है, जो कि ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन को शो करता है। ये स्पोरोफाइट में ग्रो करता है और स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसमें तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट जो है वो कॉनिकल स्ट्रक्चर है और इसमें से जो कि एम्बेडेड होता है आर्चिगोनियल ब्रांचेस में धसा होता है उसी में, और ये एक एब्जॉर्बेटिव ऑर्गन की तरह काम करता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को गैमेटोफिटिक टिश्यू से एब्जॉर्ब करता है। जब ये न्यूट्रिशन ले लेता है तो फुट के बाद सीटा जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो डेवलप होने लगता है। सीटा एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ट्विस्टेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है कैप्सूल को। सीटा के ठीक ऊपर कैप्सूल डेवलप होता है डिस्टल एंड की तरफ और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को कैप्सूल से। कैप्सूल हाई स्लाइटली एसिमेट्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और ग्रीन होता है जब ये यंग होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये ब्राइट ऑरेंज और कर्व्ड हो जाता है। इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कैप्सूल का, तो कैप्सूल में हमको तीन चीज़ें दिखाई देती हैं, एपोफाइसिस, थीका प्रॉपर एंड एपिकल रीजन। एपोफाइसिस बेसल स्टराइल पार्ट होता है कैप्सूल का जो कि कैप्सूल को सीटा से कनेक्ट करता है। इसमें वेल डिफाइंड एपिडर्मिस होती है जिससे ये बाउंडेड होता है और इसमें बहुत सारे फंक्शनल स्टोमेटा होते हैं। इसके अलावा इसमें एयर स्पेस भी पाया जाता है स्टोमेटा के बीच में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से एपिडर्मिस, एपोफाइसिस की एपिडर्मिस फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी शो करती है और स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इस तरीके से स्पोरोफाइट जो है फ्यूनेरिया को वो पार्शली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रक्चर जो कि स्पोर में कैप्सूल में प्रेजेंट है, थीका। थीका मिडिल फर्टाइल पार्ट होता है कैप्सूल का जो एपोफाइसिस और एपिकल ऑपरकुलर रीजन के बीच में होता है। इसमें एक सेंटर कॉलम होती है जो थिन वॉल्ड स्ट्राइल पैरेन्काइमेटस कॉलुमेला की बनी होती है। ये बैरल शेप्ड स्पोर सैक से सराउंडेड रहता है। एक वाइड एयर स्पेस प्रेजेंट होता है स्पोर सैक के पास और इसमें ग्रीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, ट्रांसफर्स अरेंज होते हैं, इनको ट्रैबिकुलाई कहते हैं। थीका की वॉल जो है वो एक या दो सेल थिक होती है और इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। एपिकल रीजन पे कैप्सूल में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर ऊपर की तरफ कैप्सूल को देखें तो इसमें ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वेंट्रल कैनाल सेल जो है जब टूट के अलग हुई थी, जब सीटा बढ़ने लगा था तो ऊपर थोड़ी सी जो रह गई थी अलग होके वो उसी ने ऑपरकुलम यानी लिड लाइक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। और दूसरी होती है पेरिस्टोम जो कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ट्रांसफर रिंग जो है वो उसमें मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल की भी पाई जाती है कैप्सूल में, जिसे एनुलस कहते हैं, जो कि थीका को डिलिमिट करती है। ऑपरकुलम में दो रिंग्स होती हैं लॉन्ग कर्व ट्रायंगुलर टीथ की, जैसा मैंने आपको बताया पेरिस्टोम की, और हर रिंग में 16 टीथ होते हैं, कुल मिलाकर 32 टीथ की दो रो होते हैं, टू रिंग्स ऑफ टीथ होती है जो कि कवर्ड रहती है एक कैलिप्ट्रा से जो डेवलप होता है वेंट्रल वॉल से। जब सीटा इलांगेट करता है तो कैलिप्ट्रा रप्चर कर जाता है, फट जाता है बेस पे और इसका अपर पार्ट जो है वो टॉप ऑफ द कैप्सूल पे लगा ही रह जाता है, जिसे हुड कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। स्पोर सैक जो है उसमें बहुत सारे स्पोर्स मदर सेल होती हैं जिनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, कैप्सूल के अंदर बन रही होती हैं, ये एंड्रोसाइट सेल्स हैं कैप्सूल के अंदर जिससे स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो एंड्रोसाइट सेल्स हैं, स्पोरोसाइट्स की जो सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है और स्पोर बनते हैं हैप्लॉयड स्पोर। और ये क्योंकि मियोसिस है तो चार हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे, इस कंडीशन को हम टेट्राड कंडीशन के नाम से जानते हैं। जब एनुलस मैच्योर हो जाता है, थिन वॉल्ड होता है, ये फूल जाता है मॉइस्चर से, जैसे मॉइस्चर मिलता है तो फूल जाता है और फोर्स की वजह से जो कैप्सूल का लिड है, ढक्कन है, वो खुल जाता है और पेरिस्टोम टीथ बाहर आ जाते हैं। ये पेरिस्टोम टीथ जो है वो हाइग्रोस्कोपिक हैं और ड्राई एटमॉस्फेयर में ये बाहर की तरफ बैंड कर जाते हैं, पेरिस्टोम टीथ बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जर्की मूवमेंट होता है और स्पोर्स जो है वो बाहर एक्सपोज हो जाते हैं।
सीटा जो है वो मैच्योर स्पोरोफाइट है और ये भी हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करता है। ड्राई वेदर में ये वाटर को लूज करता है, ट्विस्ट हो जाता है और बेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्जल हो जाता है। स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है। अब ये स्पोर घूमता रहता है हर जगह और इसके चारों तरफ स्पोरो पॉलिनिन है, इसलिए अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है। जब इसे सूटेबल मॉइस्ट डैम सॉइल मिलती है तो वहाँ जाके ये गिरता है और मॉइस्चर को ऑप्टेन करने के बाद ये अपने अंदर से गैमेटोफिटिक सेल को डेवलप करने लगता है, गैमेटोफाइट बनाता है। और गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड सेल है। फिर इसके अंदर से प्रोटोनिमा ब्रांच स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें प्रोटोनिमा कहा जाता है, और फिर उन्हीं में से किसी प्रोटोनिमा में बड लाइक अपीयरेंस दिखती है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरीके से गैमेटोफिटिक सेल बन जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इस गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो स्पोर है, जो फर्स्ट सेल है गैमेटोफिटिक की, ये सूटेबल डैम सबस्ट्रेटम के संपर्क में आके ग्रो करता है और एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसे मैंने अभी आपको बताया प्रोटीनिमिया को बना लेता है और ये बिल्कुल फिलामेंटस ग्रीन एल्गा जैसा दिखाई देता है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि स्मॉल बर्ड्स निकल जाती हैं जिन्हें प्रोटोनिमा के ऊपर, जिससे एक लीफी गैमेटोफाइट को बर्थ दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप देख सकते हैं। गैमेट प्रोड्यूस जब होता है लीफी गैमेटोफाइट में तो प्लांट जो है वो फ्यूज कर जाता है जायगोट से और इस तरह से स्पोरोफिटिक जनरेशन डेवलप कर जाती है। तो इस तरीके से ए सेक्सुअल